फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो थ्रू आप जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दरम्यान एक गर्भवती महिला को कौन कौन से अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करवानी चाहिए, और साथ ही साथ इस अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी के बारे में आपको क्या पता चलता है और इसकी क्या कॉस्ट आती है। इन सब बातों का आज के वीडियो थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो बेल आइकन आती है उस पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सो इसे भी हमको बेबी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, या फिर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल या फिर डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां तो नहीं है, ये जल्दी पकड़ में आती है। और वक्त रहते हम कुछ डिसीज़न ले सकते हैं या फिर उस पर कोई ट्रीटमेंट लेकर वो बेबी में जो भी फॉल्ट हो वो ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार अपना अल्ट्रासाउंड कराए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है वो आप जब कंसीव करते हो उसके बाद, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद 6 to 9 वीक में आपको पहली जो आपके अल्ट्रासाउंड है वो करवानी चाहिए। खास करके अगर आप 6 वीक्स के बाद करते हो तब तक बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ जाती है। सो जैसे कि आप देख सक रहे हो इस रिपोर्ट में, मैंने 9 वीक में की थी, तो इस रिपोर्ट तो आपको पता चलता है बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं है। साथ ही साथ आपको आपके बेबी ट्विन्स है या सिंगल है ये सब पता चलता है, और साथ ही साथ बेबी की क्या पोजीशन है, और बेबी यूटरस में इम्प्लांट हुआ है या फिर यूटरस के बाहर इम्प्लांट हुआ है, ये सारी बातें इनिशियली पता चल जाती है। साथ ही साथ आपको कोई यूटरस में इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, और बेबी की मूवमेंट बराबर हो रही है या नहीं हो रही, ये सब आपको इस फर्स्ट ट्रिमेस्टर के 6 to 9 वीक में जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तब पता चलती है। और फ्रेंड, इसकी जो कॉस्ट होती है वो सिटी टू सिटी वैरी होती है, पर इसकी जो कॉस्ट आपको आएगी वो 800 to 2000 रुपीज़ के अंडर आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, सेकेंड सोनोग्राफी है वो आपको करवानी है वो 12 वीक से लेकर 14 वीक्स के बीच में, जो कि है एंटी स्कैन टेस्ट, और ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी टेस्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है जिससे आपको पता चलता है कि बेबी में कोई डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट जैसी बीमारियां तो नहीं है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, और साथ ही साथ आपकी बेबी की हार्ट बीट और मूवमेंट और उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है ये भी पता चलता है। और एंटी स्कैन के कुछ रेंज होते हैं, ठीक है, उस पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि बेबी में कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, तो जो भी एंटी स्कैन की रेंज है, मेजरमेंट है, वो 3.5 mm के नीचे हो तो नॉर्मल होता है। सो फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है वो 900 से लेकर 2500 रुपीस तक हो सकती है, और मैंने जब कराई थी तो मुझे लगभग 1100 रुपीस लगे थे। सो फ्रेंड, ये हो गई एंटी स्कैन जो आपको 12 या 14 वीक के बीच में करना है, तभी बेबी का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद बेबी की ग्रोथ होती है और जो एंटी स्कैन है वो इसका मेजरमेंट ठीक से नहीं आएगा। उसके बाद जो आपको करना है वो है थर्ड अल्ट्रासाउंड। सो फ्रेंड्स, आपको थर्ड अल्ट्रासाउंड है वो 18 टू 20 वीक्स के बिटवीन की करानी है, और उसके बोलते हैं एनामोली 2D 4D अल्ट्रासाउंड। सो फॉर एनामोली का मतलब ही ये है कि बेबी की जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसका बराबर से डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं उस वीक के हिसाब से, साथ ही साथ बेबी की जो लेंथ है उसका वेट है वो भी प्रॉपर है क्या नहीं, इस एनामोली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू आपको पता चलता है। साथ ही साथ बेबी की ओवरऑल ग्रोथ आपको या इस अल्ट्रासाउंड थ्रू पता चलती है, और अगर कोई भी डिफेक्ट हो बेबी के ऑर्गन में, चाहे वो लंग्स हो, ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी, हार्ट, ये सभी चेक की जाती
है, और इसी अल्ट्रासाउंड थ्रू ये भी डिटेक्ट की जा सकते हैं कि इसमें बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं। साथ ही साथ बेबी के जो ऑर्गन्स है, हैंड, लेग्स, इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही कि नहीं, ये भी मेजरमेंट थ्रू वो चेक करते हैं। सो फ्रेंड, इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 3000 से लेकर 5000 रुपीज़ तक आ सकती है, और ये सिटी टू सिटी जैसे वैरी करता है। सो फ्रेंड्स, मुझे आई थी आई थिंक 3000 समथिंग आई थी। सो ये हो गए एनामोली स्कैन, जो कि आपको 20 वीक यानी 5 मंथ जब आपको शुरू होता है तब आपको करवानी है। उसके बाद आप चाहे तो 7 मंथ की है अल्ट्रासाउंड वो भी करवा सकते हैं, जो कि मैंने नहीं कराई थी। मैंने डायरेक्ट ही 9th मंथ में कराई थी, जब मेरा 35-36 वीक चल रहा था। तो ये जब आपका 9th मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है, 9th मंथ शुरू हो जाता है, तब आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड आपको पता चलता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड एडेक्वेट है कि नहीं है, कम है या फिर ज़्यादा है। साथ ही साथ बेबी की पोजिशन पता चलती है कि उसने हेड डाउन किया है कि नहीं, मतलब बेबी का जो सर है वो नीचे की ओर आया है कि नहीं, या फिर वो कौन सी कंडीशन में है, ब्रिज है, ट्रांसफर है, या फिर सिफालिक है, क्योंकि इसी पर डिसाइड होता है कि उस आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगी, या फिर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगे या फिर नहीं होगे। साथ ही साथ बेबी का जो वेट है वो भी पता चल जाता है कि बेबी अंडर वेट तो नहीं है या फिर बेबी ओवर वेट तो नहीं होगा, ये भी पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, इसलिए 9 वीक की है। आई होप, और इसकी प्राइस आती है 1200। सो फ्रेंड्स, ये सब अल्ट्रासाउंड है जो एक प्रेग्नेंट महिला को आपके पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कराना जरूरी है। सो इसमें जैसे मैंने बताया आपको 9 वीक की और 20 वीक की, 7 वीक की, और लास्ट में आप 9th मंथ जब शुरू होता है 36 या 37 में, तब आपको करवानी है। और जैसे कि मैंने कहा, इसकी जो प्राइस होती कॉस्ट आती है आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह सेम हो, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हो। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ की फीस होती है वो बहुत हाई होती है। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो उस हिसाब से उसकी प्राइस कम भी हो सकती है। तो ये कॉस्ट है जो अल्ट्रासाउंड की, वो सिटी टू सिटी वैरी करती है। सो ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन से डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट से करना चाहते हो। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज के वीडियो थ्रू ये जान गए होंगे कि आपको कौन कौन सी अल्ट्रासाउंड करने नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर ऐसे अल्ट्रासाउंड रीडिंग पे बहुत सारे वीडियोस डिटेल में अपलोड किए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। अगर आपको लगता है किसी के लिए ये यूज़फुल है तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो थ्रू। तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।